नमस्कार, स्वागत है आपका LMSS अकेडमी में। मैं हूं MD मुन्ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप Zoom ऐप से कैसे एक नया ऑनलाइन मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको Zoom ऐप ओपन करना है अपने फ़ोन में, और यहां पर आपको स्केड्यूल का ऑप्शन दिखेगा, तो आप स्केड्यूल बटन पर टैप करें। अब इस विंडो में आपको जो है सबसे ऊपर बताना है कि आपका मीटिंग का टॉपिक क्या रहेगा। यहाँ पर हम एक टॉपिक लिख देते हैं, डिस्कशन ऑन न्यू पॉलिसी। ओके, तो इस तरह से हमने मीटिंग के एक टॉपिक दे दिया है। नेक्स्ट हमें सेट करना है डेट, ये मीटिंग किस दिन हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम 3 जून सेलेक्ट करके इसको सेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें टाइम सेट करना है कि ये मीटिंग का टाइम क्या रहेगा। तो यहाँ पर हम 2 PM से इसको 3 PM तक सेट करते हैं। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन आ गया कि Zoom बेसिक प्लान जो है 40 मिनट्स का है। तो अगर आपको चाहिए कि मीटिंग के दौरान इंटरप्शन ना हो, मीटिंग 40 मिनट्स में एंड ना हो जाए, तो आपको ये अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि Zoom का जो बेसिक प्लान है वो आप 40 मिनट्स तक ही यूज़ कर सकते हैं, इसकी टाइम लिमिट है। तो अभी इसको ओके कर देते हैं। टाइम जोन यहाँ पर आप जिस भी कंट्री के अकॉर्डिंग आप सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं। रिपीट में अगर आप सेम मीटिंग जो है फिर से रिपीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, अभी से हम नन रखते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यूज़ पर्सनल मीटिंग आईडी का ऑप्शन दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मीटिंग आईडी कभी चेंज ना हो, हमेशा आप सेम आईडी जो है यूज़ करना चाहते हैं, सेम मीटिंग लिंक यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इस ऑप्शन को ऑन रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आप नया मीटिंग स्केड्यूल करें उसमें आईडी जो है आपकी चेंज होती जाए, तो आप इसको ऑफ रखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिक्वायर मीटिंग पासकोड, ये जो है ऑन रहेगा, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, इसको आप ऑफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पासकोड। पासकोड में आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा कि आप अपने मीटिंग में क्या पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। उस पासवर्ड के बगैर जो पार्टिसिपेंट्स होंगे आपकी मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ से एक पासवर्ड लिख देते हैं BU01। यहाँ से हमने एक पासवर्ड जो है यहाँ पे सेट कर दिया। आपकी चॉइस है, आप किसी भी तरह का फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनेबल वेटिंग रूम। अगर आप चाहते हैं कि जब आप मीटिंग स्टार्ट करें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आपका वेट ना करना पड़े, आपके अप्रूवल का वेट ना करना पड़े, वो डायरेक्ट जो है ज्वाइन कर लें, चाहे आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसको ऑफ कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिना आपके परमिशन के कोई भी आपकी मीटिंग को ज्वाइन ना कर पाए, तो आप इसको ऑन कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है ओनली अलाउ ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको अपने जूम ऐप पर या जूम डेस्कटॉप ऐप पर लॉगिन करना पड़ेगा, बिना लॉगिन के वो आपकी मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है मीटिंग ऑप्शंस के अंदर आप देखिए होस्ट वीडियो ऑन। आप मीटिंग स्केड्यूल कर रहे हैं तो आप होस्ट होते हैं, आप चाहते हैं कि मीटिंग ज्वाइन करने पर आपका वीडियो जो है ऑन हो जाए, तो आप इसको ऑन रखेंगे। आप चाहते हैं कि आपका मीटिंग के बिगिनिंग में आपका वीडियो ऑफ रहे, तो आप इसको ऑफ रखेंगे। पार्टिसिपेंट्स के वीडियो ऑप्शंस के लिए भी सेम मेथड है। आप चाहते हैं कि मीटिंग ज्वाइन करते ही आपके पार्टिसिपेंट्स का वीडियो ऑन रहे, तो आप इसको यहाँ से ऑन रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड टू कैलेंडर। ये क्या करेगा, ये आपके जो फ़ोन में गूगल कैलेंडर है या अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी कैलेंडर होगा उसमें आपका मीटिंग का शेड्यूल जो है ऐड हो जाएगा। सारे सेटिंग करने के बाद जो है आप इसको यहाँ से डन कर दें। अब यहाँ पे आपको ये पूछेगा कि आप कैलेंडर एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको अलाउ कर दीजिए। अभी आपको ये कुछ ऑप्शंस देगा जिससे ये ईमेल कर सके जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आप जिनको भी ऐड करना चाहते हैं इस मीटिंग इनवाइट के लिए, आप यहाँ पे जीमेल, आउटलुक या पेपल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बाद में मैन्युअली उनको मीटिंग इनवाइट भेजेंगे, तो आप इसको सीधा बैक कर दीजिए और आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी जिसके अंदर मीटिंग की डिटेल्स दी होंगी। अगर आप यहाँ से भी किसी को इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इन्वाइट बटन पर टैप करके मीटिंग लिंक कॉपी करने के लिए नीचे कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिया है, इस पर टाइप करेंगे तो मीटिंग लिंक जो है कॉपी हो जाएगी। आप अगर बैक करके मेन स्क्रीन पर अगर आ जाएं तो
और यहाँ नीचे मीटिंग्स का ऑप्शन दिया है, इस मीटिंग्स पे आप टैप करेंगे तो आपको दिखेगा आपने जो मीटिंग अभी स्केड्यूल की है उसका जो है एक लिस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ताकि जब आप उस टाइमिंग पर मीटिंग को स्टार्ट करना चाहें तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आके स्टार्ट बटन पर टैप करेंगे तो आपका जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।